अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद आज मैं आपके लिए एक सच्ची और पुरसरार कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ऊपरी मंजिल से पायल की आवाज़ आने लगी तो साइम ने मुस्कुराते हुए ताहा का कंबल खींचा ताहा ने दबे दबे होंठों से मुस्कुराकर शाजिल को मिस कॉल की शाजिल भी जाग रहा था और शायद उनकी मिस कॉल का ही वेट कर रहा था फौरन उठा और बेड नंबर चार पर आया जहाँ ताहा और साइम पहले से ही बैठे हुए थे आ गई वो शाजिल ने मुस्कुरा कर कहा सीढ़ियों पर मुकम्मल अंधेरा था मगर फिर भी वो तीनों दबे पाओं मोबाइल की लाइट के सहारे ऊपरी मंजिल पर जाने लगे फिरोजी मैक्सी पहने नंगे पैर वो हाथ में लालटेन थामे धीरे धीरे चल रही थी मगर उसकी शोख पायलें दूर तक उसकी हाज़िरी का ऐलान कर रही थी शाजिल ताहा और साइम अपने सामने उसको देख कर दंग रह गए मैं जरताश हूँ गुलाब की पंखड़ियाँ जैसे हरकत में आईं और साथ ही उसने अपनी समंदर जैसी गहरी आँखों से एक नज़र तीनों को देखा तो वो तीनों जैसे बुत बन गए जर धीरे से मुस्कुराई शायद वो जान चुकी थी कि वो तीनों लड़के उसकी खूबसूरती में डूब चुके हैं जरताश ने लाल दी और बालकोनी पर मुकम्मल खामोशी और अंधेरा छा गया शाजिल तू यहाँ पर है ताहा ने अपने साथ खड़े वजूद को टटोला हाँ यार साइम क्या तूने भी देखा उसे और ताहा तूने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा क्या वो वाकई मगर हमारे सामने ही क्यों शाजिल पागलों की तरह सायम और ताहा के साथ कमरे में जाते हुए सवाल पर सवाल कर रहा था मगर उन सवालों के जवाब में वो दोनों ही खामोश थे सर क्या आपको ख्वाहिश नहीं होती जरताश को देखने की ताहा के सवाल पर शाजिल और सायम यकदम चौंक गए अरे भाई ये जोक नहीं है पर एक्चुअली मुझे बेहद शौक़ है और वैसे भी जरताश क्या है ये जानने का शौक़ पूरी यूनिवर्सिटी को हो गया है सर अरहम की बात पर एडोना ने ज़ोर से कह कहा लगाया क्योंकि इसी वजह से जरताश पूरी यूनिवर्सिटी का गर्म तरीन टॉपिक बन चुकी थी ताहा ने शोल्डर बैग टेबल पर रखा और साथ ही दोस्तों को देखकर एक बर्गर की बजाय सात बर्गरस का ऑर्डर दे दिया ताहा के शुरू की आदत थी वो कभी भी अकेला इंजॉय नहीं करता था ख्वा वो खाना हो या तफरी प्रोग्राम जरताश मिली अदन ने फिंगर चिप्स मुंह में रखते हुए कहा जिसके जवाब में सब ने मायूसी का इजहार किया जब भी बुलवाते हैं मैडम बस अपनी पायलें सुनाकर चली जाती हैं सायरा कहने लगी कल रात किसने ट्राई की मुझे पायलों की आवाज़ आई थी साइम ने पूछा मैंने ट्राई की थी एडोना ने अपना हाथ बुलंद किया यार हुआ कुछ यूँ कि पंद्रह दिन पहले शाज़िल को लाइब्रेरी से एक किताब मिली वो अक्सर किताब किताबें पढ़ता रहता है इसीलिए बुक का टाइटल था ज़रताश का राज उसको दिलचस्पी हुई और वो किताब लाइब्रेरी से ले आया बुक वाकई में दिलचस्प थी वो एक पानी की जनजादी है वो जनजादी जिसको भी एक बार दिख जाए वो उसकी सात ख्वाहिशें पूरी करती है और सात ख्वाहिशें पूरी करने के बाद उस इंसान पर एक राज खोलती है बहुत बड़ा राज किताब लिखने वाले का कहना है कि वो राज भी जान चुका है और आज वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है चूँकि उसने दौलत की ख्वाहिश की थी मुसन्फ़ ने ज़रताश को बुलाने का तरीका भी लिखा हुआ है पर ज़रताश अपनी पसंद के इंसान के पास जाएगी मगर ज़रताश को क्या फ़ायदा आई I मीन mean, वो बदले में किसी की ज़िंदगी मांग ले तो सारा ने बहुत समझदारी से कहा नहीं नहीं बुक में लिखा है कि वो बदले में कुछ नहीं मांगती ऐसा कैसे हो सकता है मतलब जब इंसान बिना मुफाद के किसी के काम नहीं आते तो वो तो हवाई मखलूक है यार देख लो तीस साल पहले वो मुसनफ़ और अब हम क्या वाकई वो हमारी ख्वाहिश पूरी करेगी ताहा ने शाजिल की तरफ देखा जो इन हमाक से किताब में गुम था वो आई तो बस हमारे सामने है अब क्या सोचा है साइम ने मोबाइल ऑफ करके साइड पर रख दिया हम उसको नाम भी बुलवाएं तो वो फिर भी आ जाएगी बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में कोई ना कोई उसे बुलवाएगा यार सायरा की बात में वज़न लगता है वाकई में हमें कोई कीमत ना अदा करनी पड़ जाए ताहा परेशान सा होने लगा ऊपर की मंजिल जहाँ सर अरहम का कमरा था पायल की आवाज़ वहाँ से साफ सुनाई दी साइम ताहा और शाजिल अलर्ट हो गए हम नहीं जाएंगे। ताहा ने फैसला कन अंदाज में दोनों को देखा फिर पायल की आवाज़ करीब आने लगी अरे आवाज़ करीब आ रही है अदन मोमबत्ती लेकर आ गया शाजिल ने उसको सरता पैर देखा और समझ गया कि अदन ही जरताश को बुलवाने का अमल कर रहा था उठो ना चलें अदन ने शाज़िल का बाजू खींचते हुए कहा हम नहीं जा रहे लालच अच्छी चीज़ नहीं होती यार छोड़ दो साइम इतना कहते ही कंबल मुंह तक ओढ़कर लेट गया और वैसे भी रोशनी की तेज़ झमकार ने साइम की बोलती बंद कर दी वो फिरोजी मैक्सी पहने उनके सामने खड़ी थी हाथ में लालटेन पकड़े मुस्कुराती हुई उनको देख रही थी अपनी ख्वाहिश बताओ मुझे बुलवाने की वजह जरताश ने अपने लब हिलाए और फिर तस्वीर की तरह साकित हो गई हालांकि वो अभी भी उनके सामने उनका जवाब सुनने के लिए खड़ी थी हमारी पहली ख्वाहिश ये है कि तुम हम तीनों में से किसी की जिंदगी नहीं मांगोगी बल्कि किसी भी तौर पर जिंदगी नहीं मांगोगी शाजिल ने बड़ी चालाकी से कहा दूसरी हम तीनों को सी एस एस में टॉप करवा दो शाजिल जरताश की नीली आंखों में झांक कर बोला तीसरी जरताश ने मुस्कुराते हुए पूछा हमारी जॉब कंफर्म करवा दो चौथी मुझे फॉर्म सेट करवा दो फैमिली समेत पांचवी मेरे दोस्तों को वेल सेटल्ड लाइफ चाहिए छठी शाजिल ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी ख्वाहिशें जरताश को बता दीं सातवीं आखिरी ख्वाहिश पर शाजिल के वजूद पर सख्ता तारी हो गया मैं मरने से पहले एक किताब लिखना चाहता हूँ शाजिल की बात सुनकर वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई और लालटेन भुजा दी खुश हो शाजिल ने बेड पर बैठते हुए कहा क्यों यार सुना नहीं मैंने सारी ख्वाहिशें बता दी उसे हमने सच में नहीं सुना वो इतनी खूबसूरत है कि उसे देखने के बाद हमें कुछ होश ही नहीं रहता साइम ने वजाहत की फिर शाजिल ने उन दोनों को अपनी सारी ख्वाहिशें बताईं जो उसने ज़रदाश को बताई थी। और सातवीं ताहा ने बेचैनी से पूछा यार सातवीं मुझे याद नहीं आ रही पता नहीं पर उसने हमारी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया है शाजिल की आंखों में चमक आ गई थी चल सातवीं छोड़ भी पूरी हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त बात है साइम खिलखिलाकर हंसा अदन कहाँ है अदन को वहाँ ना पाकर साइम ने पूछा वो जब रोशनी का चमकारा पड़ा था तब से वो बेहोश है ताहा ने पलंग के नीचे इशारा किया जहां जहाँदन वाकई बेहोश पड़ा था साइम और शाजिल ने उसे उठाया और उसके बेड पर लिटा दिया अब अब्जाश को छोड़ो और पेपर्स पर ध्यान दो सर अरहम लेक्चर देकर कुर्सी पर बैठते हुए बोले वो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे वो वाहिद ऐसे प्रोफेसर थे जो स्टूडेंट के उस्ताद होने के साथ साथ उनके दोस्त भी थे बच्चों मेरा ख़्याल है अब आप लोगों को फाइनल की तैयारी करनी चाहिए सर अरहम ने अपना फ़ैसला सुनाया और सब खामोश हो गए क्लास का टाइम ख़त्म हो गया था सब बाहर आ गए वक्त ऐसे ही गुजरता गया सबके दिमाग में से जरताश ओझल होने लगी अब बुलाने पर पायलों की आवाज़ें आना भी बंद हो गई इसीलिए सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में मगन हो गए सबको एक दूसरे से आगे निकलने की जल्दी थी खुदा खुदा करके इम्तिहान सर पर आ गए और फिर इम्तिहान से फारिग होकर सभी दोस्त तफरी पर निकल गए हेलो क्या सच में ताहा ने फ़ोन अटेंड करते ही कहा यार हमारा रिज़ल्ट आ गया है नेट ओपन करो ताहा ने फ़ोन किया और साइम से कहा तो साइम ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की सबसे पहले ताहा का रोल नंबर खोला वाह यार बहुत अच्छे नंबर हैं ताह के नंबर देखकर कर साइम खुशी से बोला अब सामम का रोल नंबर खुला उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था शाजिल का रोल नंबर देखो नहीं हो रहा शायद लोड ज़्यादा है चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं तहा ने बाइक स्टार्ट की और फिर कुछ देर बाद वो यूनिवर्सिटी में थे वेल डन शाज़िल अहमद सर अरहम ने शाज़िल को गर्म जोशी से कहा अरे तहा भाई आपके दोस्त ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है इनफैक्ट इनको चाइना भेज रहे हैं इन्हें स्कॉलरशिप मिली है सर अरहम की बातें सुनकर सायम और ताहा को हैरत का शदीद झटका लगा क्योंकि शाजिल तो पढ़ाई में सबसे निकम्मा था मुबारक हो शाज़िल सायम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया ताहा भी आगे आया और बाकी ग्रुप का क्या बना ने सर अरहम से पूछा एडोना पास हो गई है मगर अदन का रिजल्ट काफ़ी बुरा आया है सर अरहम ने तफसील बताई चले बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर तहा ने शाजिल और साइम से कहा और अपनी अपनी मंजिल पर गामज़न हो गए सारा हॉल वजी के लिए चेयर्स अप कर रहा था लास्ट मिनट पर आखिरी गोल वजी का मुंतजर था जबकि मुखालिफ टीम का गोल कीपर फाड़े वजी को घूर रहा था वजी ने आंखें बंद करके लंबा सांस लिया और अगले ही सेकंड जोरदार किक मारा फुटबॉल हवा में उड़ता हुआ नेट की तरफ बढ़ा तो ग्राउंड में एकदम खामोशी झा गई ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया फुटबॉल तेजी से उड़ता हुआ नेट से टकराया गोल कीपर ने फ्लाइंग जंप लिया पर बॉल रोकने में कामयाब ना हो सका हॉल में यकदम शोर बरपा हो गया सारे पुरजोश होकर ग्राउंड में कूद पड़े उनमें सबसे आगे एडोना थी जो अपने बेटे की कामयाबी पर तकरीबन नाच रही थी जबकि साइम दूर खड़ा तालियां बजा रहा था पता नहीं इस औरत को कब अकल आएगी वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया पापा मामा को क्यों रोका मेरे कॉलेज वाले तो मामा के डांस के फ़ैन हैं वजदान ने हँसते हुए साइम से कहा पापा मैं एक मिनट आया वजदान तकरीबन भागता हुआ कॉलेज में गया साइम और एडोना कार में जाकर बैठ गए वजदान का इंतज़ार करने लगे थोड़ी देर में जब वो आया तो साइम ने कार स्टार्ट की और कुछ ही देर बाद वो शानदार बंगले के सामने थे एडोना मुलाजमा से कह कर गई थी कि उनके आने से पहले वो वजदान की पसंद के सारे खाने टेबल पर सजा दे पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था उफ़ नसीमा बीबी आपका हाथ और आपका खाना मैं किसी दिन काट कर रेस्टोरेंट में महके दामों बेच दूँगा वजदान के मज़ाक पर नसीमा बीबी की आंखें उबल पड़ीं जबकि अडोना कह कहा लगाकर हंस पड़ी पापा आपको पता है कल मेरे फ्रेंड को एक किताब मिली बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है हाँ बेटा अच्छी बात है इंसान में शौक़ के अदब भी होना चाहिए साइम ने कबाब उठाते हुए कहा नहीं पापा मुझे कोई शौक़ नहीं असल में आलिन ने बड़े मज़े की बात बताई है वो ये कि वो किताब किसी जरताश नामी लड़की के मुतालिक है उसको पानी की जंजादी कहते हैं रुकिए है पापा वजदान जल्दी से उठा और कमरे से वो किताब उठा लाया इस दौरान एडोना और साइम खामोश रहे वजदान के हाथों में किताब देख कर हैरान रह गए साइम ने कांपते हाथों से किताब वजदान के हाथों से ले ली ये तो मैंने खुद बल्कि मैंने और ताहा ने हम दोनों ने इसको जला दिया था फिर ये कहाँ से आई साइम हैरत से किताब उलट पलट कर देखने लगा मैं समझा नहीं पापा वजदान बाप को तकने लगा अट्ठाईस साल पहले एडोना ने वजदान को बताना शुरू किया तो क्या अंकल शाजल की मुरादें पूरी हो गई थीं? वजदान ने एडोना से पूछा लगता तो है क्योंकि उसने टॉप कर लिया था ख्वाहिश के मुताबिक उसकी जॉब भी लग गई थी और उसने ख्वाहिश की थी कि वो फ़ौर में रिहाइश इख्तियार करेगा वो भी पूरी हो गई जब से वो कनाडा गया है हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता अगर बेटा तुम इस किताब से दूर रहना लेकिन पापा शाजिल अंकल की ख्वाहिशात तो पूरी हो गई थी मेरे ख़्याल में हमें भी ट्राई करना चाहिए वजदान तो जैसे डट चुका था बेटा मैंने कहा ना, नहीं साइम ने वो किताब उठाई और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे में चला गया उसने किताब एक तरफ फेंकी और ख़ुद कुर्सी पर बैठ उसे देखने लगा जिस पर जरताश का राज लिखा हुआ दूर से ही चमक रहा था वो सोचने लगा उसे याद था क्योंकि वो हसीना फिरोजी मैक्सी में आसमान से उतरी शहज़ादियों की तरह छन छन करती बॉयज़ होस्टल में दन फिरती थी साइम को आज भी जरताश का ख़ूबसूरत चेहरा याद था कुछ देर बाद वो उठा और किताब की तरफ़ आया वो जानता था कि शाजिल के कनाडा जाने के बाद जब उसे बिजनेस में मुश्किलात का सामना हुआ तो एक दिन गुस्से में आकर साइम ने वो किताब जला दी जिसकी बदौलत शाज़िल ने अपनी ज़िंदगी तो सवार ली पर दोस्तों को धोखे देता रहा साइम ने जल्दी से किताब खोली और पहली सतर पर नज़र पड़ी तो लिखा था कि लफ्स लफ्ज़ वही था जो अट्ठाईस साल पहले उन्होंने पढ़ा था साइम ने दोबारा किताब बंद करके रख दी कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर से वो किताब उठाई और कांपते हाथों से किताब का पहला सफ़ा खोला मुसनफ़ शाजिल अहमद साइम के तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई उसका दिमाग चकरा गया वो कुर्सी के सहारे खड़ा हुआ मोबाइल निकाल कर तहा का नंबर डायल करने लगा मुख्तलिफ जगहों पब्लिकेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटी से जो भी पते लिए सब पर शाजिल का कुछ पता नहीं था शाजिल की फैमिली कैनेडा शिफ्ट हो चुकी थी लेकिन वो भी अब पहुँच से दूर थे फिर सायम और ताह ने फैसला किया कि वह दोनों कैनेडा जाएंगे ताकि शाजिल का सुराग लगा सके और फिर पहली ही फ्लाइट से वो दोनों कनाडा पहुँच गए जो एड्रेस शाजिल के रिश्तेदारों ने उन्हें दिया था वो वहाँ पहुँचे वो कोई कदीम खूबसूरत घर था शाजिल हट अंग्रेज़ी में लिखी गई प्लेट को देख कर ताहा बड़बड़ाया बैल बजाने पर कोई ना आया तो साइम ने अंदर जाने का फ़ैसला किया लकड़ी का छोटा सा गेट अंदर धकेला तो वो खुलता चला गया थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो दोनों अंदर दाखिल हुए शाजिल कहाँ हो तुम पूरे हट में खामोशी पाकर वो दोनों शाजिल को आवाज़ें देने लगे वो हट पूरी लकड़ी की बनी हुई थी कैनेडा में अक्सर लकड़ी की हट बनाई जाती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का काम होता है फर्श छत दरवाज़े खिड़कियाँ सब कुछ लकड़ी का होता है ये लकड़ी बहुत ख़ास होती है जो सिर्फ नक्शो नगारी के लिए इस्तेमाल होती है फिर साइम और ताहा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगे शाजिल एनी बडी हेयर ताहा ने इधर उधर देखते हुए बोला फिर घर का कोना कोना छान मारने के बाद वो मायूस हो गए और वापसी के लिए मुड़े वो दोनों गेट पर पहुँच चुके थे पायल की आवाज़ पर वो चौंक गए आवाज हट के अंदर से आ रही थी जरताश अट्ठाईस साल पुरानी जरताश का ख्याल आते ही वो दोनों बिजली की तेज़ी से अंदर दौड़े पायल की आवाज़ छत से आ रही थी वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़े और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ के करीब चलते गए पायल की आवाज़ एक ही जगह से आ रही थी वहाँ एक छोटी सी अलमारी बनी हुई थी पायल की आवाज़ उस अलमारी से आ रही थी साइम ने ताहा को देखा तो ताहा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया साइम आगे बढ़ा और अलमारी का हैंडल पकड़कर अपनी तरफ खींचा चरचराहट की आवाज़ से वो अलमारी खुल गई एक भारी भरकम इंसान साइम पर गिरा ओह हो शाजिल बेसाख्ता दोनों के मुंह से ये आवाज़ निकली साइम के ऊपर गिरे हुए ज़ैफ़ को ताहा ने पहली नज़र में पहचान लिया ताहा और साइम ने मिलकर उसे पलंग पर लिटाया पास रखी पानी की बोतल से उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे और फिर शाजिल आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगा आ गए तुम वो कमज़ोर आवाज में बोला हाँ मगर तुम्हें क्या हुआ मुझे पता था तुम आओगे मगर बहुत देर बाद आए हो अब तो वक्त ही नहीं रहा शाजिल अफसरदा लहजे से ताहा की बात काट कर बोला शाजिल तुम क्या बोल रहे हो मुझे बताओ अब बताने का वक्त आ गया है मगर तुम जाओ साइम क्योंकि अब वजदान की जान खतरे में है शाजिल हिम्मत करके बैठ गया क्या बकवास कर रहे हो शाजिल हंसना बंद करो शाजिल को बदस्तूर हंसते देख कर साइम का खून भड़का मेरे दोस्त मुझे अपनी बेबसी पर हँसी आ रही है क्योंकि मैं बहरा हो चुका हूँ जरताश की पायलों ने मुझे एक लम्हा भी सकून नहीं लेने दिया सायरा ठीक कहती थी हम ये सब बहुत आसान समझ रहे थे जरताश उफ वो लड़की अपनी चनचनाती पायलों से मेरी समाते ले गई वो लड़की अट्ठाईस सालों से मेरे साथ है मेरे दोस्तों मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरी जिंदगी शाजिल अपने जहन में बोलता जा रहा था कि ताहा ने अपनी जेब से पॉकेट डायरी निकाल कर लिखना शुरू किया हमें बताओ क्या किया ज़रताश ने शाजिल जेरल मुस्कुराया तुम्हारा बेटा वजदान आज रात में चाँद चढ़ने से मर जाएगा शाजिल ने टिका सा जवाब दिया और करवट बदल कर सोने लगा साइम ने एक नज़र शाजिल को देखा और फिर जोरदार लात उसके पेट पर मारी शाजिल जवाब दो तुम ये क्या बक रहे हो तुम्हें पता है उसने पूरे बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल को छोड़कर सिर्फ मुझे क्यों चुना क्योंकि वो किताब सबसे पहले मैंने छुई थी मैं जब उसका मुताल कर रहा था तो मैंने गलती से अमल भी पढ़ डाला उस किताब को मुझसे पहले एक आदमी ने पढ़ा था और तकरीबन तीस साल पहले उसके बाद मैंने उसे हाथ लगाया और मेरे बाद वजदान ने लेकिन वह पहले अपने शिकार की ख्वाहिश पूरी करके उसे लुभाती है उसके बाद सातवीं ख्वाहिश पूरी करती है जो कि एन उसके मुताबिक होती है असल में सातवीं ख्वाहिश उसकी अपनी ख्वाहिश होती है जो वो अपने शिकार से पूरी करवाती है ज़रताश की जान वो किताब है मेरे जाने के बाद जब तुम दोनों ने वो किताब जलाई तो ज़रताश बहुत तड़पी बहुत रोई मेरे खुदाया मुझे याद है वो यहीं पर थी जब मैंने देखा कि उसको आग लग रही थी उसकी मैक्सी काली पड़ती जा रही थी उसकी पायलों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं पर वो नज़र आना बंद हो गई उसकी रूह सिर्फ इसलिए ज़िंदा थी क्योंकि मैं ज़िंदा था उसकी सातवीं ख़्वाहिश जिंदा थी और फिर उसका ह्यौला आकर मुझसे किताब लिखवाता वो किताब जो वजदान के पास है और अब नया सिलसिला शुरू होगा क्योंकि वो जाग चुकी है शाज़िल की सांसें उखड़ना शुरू होने लगी, तो वो बोला साइम मेरे दोस्त जाओ अपने बेटे वजदान को बचा लो शाज़िल ने साइम के कंधे पर हाथ रखा और दम तोड़ दिया एडोना वजदान नसीमा बीबी साइम तकरीबन भागते हुए घर में दाखिल हुआ ताहा भी उसके पीछे था साहब जी वजदान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी इसलिए एडोना बीबी उन्हें हॉस्पिटल ले गई हैं नसीमा से एड्रेस लेकर वो दोनों हस्पताल पहुँचे साइम साइम को देखते ही एडोना रोती हुई आई वजदान कहाँ है साइम ने एडोना से पूछा इतने में डॉक्टर आईसीयू से मास्क उतारते हुए बाहर निकला एडोना आपके बेटे के दिमाग की रगें फट चुकी हैं आई एम सॉरी हम उसे नहीं बचा सके डॉक्टर इतना कहकर आगे बढ़ गया और एडोना साइम के साथ फर्श पर बैठकर कर धाड़े मार मार कर रोने लगी पापा आप अंकल शाजिल को ढूँढने गए हैं ना मैंने अमल करके जरताश से यह ख्वाहिश जाहिर की है कि मुझे अंकल शाजिल के पास पहुँचा दो और देखिए उसने मेरी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया है आप वापस आ जाइए फजूल में ख्वार हो रहे हैं मैं उनसे मिलकर सारे जवाब ले आऊँगा पापा कम बैक साइम ने मोबाइल पर वजदान का आखिरी मैसेज पढ़ा और रोते चीखते हुए ज़रताश की किताब जलाने लगा तो व्यूवर्स कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें मजीद खौफनाक और सबक आमोज़ कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें